नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। और आज हम जानेंगे अध्याय 7, अशोक एक अनोखा सम्राट जिसने युद्ध का त्याग किया उसके बारे में। रौनक नाम के लड़के का जन्मदिन था तो उसके दादाजी ने उसे जन्मदिन पर कुछ नोट दी। नोट कड़क थे तो उसका सीडी खरीदने का मन कर रहा था, लेकिन उसने नोट को छूने का भी मन किया क्योंकि कड़क नोट थे। चूंकि महसूस कर रहा, अचानक उसकी नजर नोटों के ऊपर पड़ी। उसने देखा कि दाहिनी तरफ गांधी जी का मुस्कुराता हुआ चेहरा है और बाईं तरफ एक शेरों का चित्र बना हुआ है। यहीं से अपना पाठ शुरू होता है कि एक बहुत बड़ा राज्य, एक साम्राज्य, एक बहुत बड़ा राज्य, साम्राज्य, साम्राज्य अपन जैसे मानते हैं। पहले तहसील लेवल, तहसीलों से पहले गांव मानते हैं, गांवों के बाद तहसील, तहसील के बाद जिले, जिलों के बाद संभाग, संभाग के बाद राज्य, राज्य के बाद देश। जैसे ये छोटे छोटे इलाके धीरे धीरे बढ़ के एक बहुत बड़ा क्या बनता है, देश। इसी प्रकार उस टाइम जैसे कि राजस्थान, गुजरात वगैरह, पंजाब, हरियाणा सब मिलकर बहुत सारे अपने राज्य, उन सबको मिलाकर एक देश बना। उसी प्रकार उस टाइम राजा भी छोटे छोटे इलाकों को जीत कर धीरे धीरे अपने साम्राज्य का, अपनी क्षेत्र सीमाओं का विकास करते और धीरे धीरे उनका राज्य बहुत ही बड़े भूभाग पर उनका अधिकार हो जाता था और वहां पर वो शासन करते थे। उसके बारे में पाठ है। तो ये जो अशोक का, जिसको अशोक स्तंभ कहते हैं, शेरों का चित्र है जिसको अपन अशोक स्तंभ के नाम से जानते हैं, ये पत्थरों को काट कर बनाया गया था। पहली तो बात, पत्थर को काट कर बनाया गया था, फिर उसे वहां से उठाकर एक विशाल स्तंभ पर सारनाथ में स्थापित किया गया, जिसे आज हम अशोक स्तंभ के नाम से भी जानते हैं। उसके ऊपर कुछ उत्कीर्ण किया हुआ है, उत्कीर्ण किया हुआ यानी कि कुछ खोद के या फिर डिजाइन करके बनाया हुआ है। उसके ऊपर कुछ अभिलेख है, वो बनाए थे अशोक ने। अशोक ने, अशोक था एक मौर्य सम्राट, मौर्य सम्राट लगभग 2300 वर्ष पहले इसने अपने गुरु, जिसे आज हम कौटिल्य वा चाणक्य के नाम से भी जानते हैं, चाणक्य के नाम से भी जानते हैं, इसके द्वारा की थी एक विशाल साम्राज्य की स्थापना। यानी कि हालांकि इन्होंने पहले धनानंद को हरा के उसके स्थान पर, इसको हरा के उसके स्थान पर चंद्रगुप्त मौर्य को बैठाया था, क्योंकि चाणक्य का इसने अपमान किया था और चाणक्य सिकंदर के बारे में बताने गए थे, उसके
बाद इन्होंने इसका अपमान किया और इसके बाद इन्होंने प्रतिज्ञा ली कि मैं तेरी जगह एक ऐसे राजा को बिठाऊंगा जो प्रजा का पालन बहुत अच्छी तरीके से कर सके और यवनों को यहां से खदेड़ सके। उसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य को बिठाया गया। उसके बाद भी उन्होंने काफी इलाके जीते थे। फिर एक बार सेल्यूकस आया था, उन्होंने भी इससे युद्ध किया था और यह हार गया था, इसने हार प्राप्त की थी और उसके बदले से इन्हें अफगानिस्तान और बलूचिस्तान के कई भाग दिए थे और उन पर चंद्रगुप्त मौर्य का शासन हो गया। इसमें तीन मुख्य सम्राट हुए, एक तो चंद्रगुप्त मौर्य, दूसरा थे बिंदुसार, तीसरा था अशोक। चंद्रगुप्त मौर्य इसके दादा और ये इसके पिता, पिता दादा होता। जब ये परिवार वंशावली चलती है, यानी एक ही परिवार के संबंधी एक के बाद एक राजा बनता है तो उसे कहते हैं वंश, उसे कहते हैं वंश। और इनका वंश था मौर्य वंश, मौर्य वंश। मौर्य वंश में बहुत से नगर थे, बहुत से नगर थे, उसमें एक थी राजधानी पाटलिपुत्र, तक्षशिला और उज्जैन। तक्षशिला उत्तर पश्चिम में पड़ता है, पड़ता था और मध्य एशिया के मार्ग में आता। और ये उत्तर दक्षिणी, उत्तरी दक्षिणी भाग में आता था, ये उत्तरी दक्षिणी भाग में। और ये इस इन नगरों में इसी प्रकार नगर थे कुछ, उनमें नगरों में अधिकतर शिल्पकार अधिकारी व्यापारी व्यापारी और यानी तीन जने रहते थे। अधिकारी यानी कौन से, सरकारी अधिकारी, सरकारी यानी कि आज टाइम की सरकारी नहीं, उस टाइम राजतंत्र के सरकारी होकर वहां पर रहा करते थे, अधिकतर वही लोग इसमें रहा करते थे। साम्राज्य के बहुत बड़े क्षेत्रों में किसान और पशुपालन भी रहते थे। इसके अलावा कुछ क्षेत्रों में, बहुत बड़े क्षेत्रों में किसान और पशुपालक भी रहते थे, किसान और पशुपालक। मध्य भारत जैसे इलाकों में ज्यादातर हिस्सा जंगलों से भरा हुआ था। मध्य भारत अधिक हिस्सा जंगलों में से भरा हुआ रहता था, तो वहां पर संग्राहक रहते थे, जो लोग फल फूल का संग्रहण और जानवरों का शिकार करके आजीविका चलाते वो लोग रहते थे। साम्राज्य के अलग अलग इलाकों में लोग भिन्न भिन्न भाषाएं भी बोलते थे। साम्राज्य के अलग लोग में अलग इलाका वहां की भाषा अलग, जैसे आज भी गुजरात में जाते तो अलग गुजराती बोलते, राजस्थान में अपनी अपनी बोलियां हैं, हरियाणवी की भी अपनी बोलियां, भाषा के अलावा बोलियां हैं, जैसे कि 22 भाषाओं को मुख्य मान्यता दी गई है, उसी प्रकार भाषा के अलावा भी कहीं कहीं अपनी बोलियां हैं। राजस्थानी, राजस्थान में भी अलग अलग बोलियां, मारवाड़ी, ढूंढाड़ी, सेखाव, यानी कि अलग अलग एरिया वाइज मारवाड़ी, मेवाड़ी बोली, यानी कि प्रत्येक की अलग अलग बोली है। उस हिसाब से उस टाइम तो वहां पर रहते थे तो वो भाषाएं अलग अलग बोलते थे और लोग
अलग अलग टाइप से रहते थे, कोई कैसे कपड़े पहनते थे, कोई किस प्रकार के पहनते थे, भिन्न भिन्न कपड़े और भिन्न भिन्न आजीविका, भिन्न भिन्न तरीका रहने का, बोलने का तरीका, हर चीज, भाषा वगैरह सब कुछ भिन्न भिन्न रहता था, और खान पान भी अलग अलग रहता था। राज्य साम्राज्य से कैसे मिलते, राज्य साम्राज्य से कैसे मिलते, आपको यह समझना है कि राज्य और साम्राज्य में क्या फर्क है। तो आप ये मान लो, ये राज्य, राज्य यानी राजस्थान जैसे, और केंद्र, केंद्र। अब राज्य में तो उस राज्य के जितनी ही संसाधनों की आवश्यकता पड़ेगी, लेकिन केंद्र में सभी राज्यों को देखकर उसके अनुसार संसाधनों की आवश्यकता पड़ेगी, और उसमें मुख्य नगर होगा, उसके ऊपर ज्यादातर राजा की नजर होती थी। तो जैसे प्रधानमंत्री की नजर मुख्य तो केंद्रों पर होती है, ज्यादातर केंद्र का मुख्य मुख्य नगर होते हैं उनके ऊपर होती, वैसे उस टाइम भी वैसे थे। उसके लिए भी अधिकारी तय किए जाते थे, जैसे आज अधिकारी तय किए जाते हैं, उस टाइम भी उसके ऊपर अधिकारी तय किए जाते थे, और वो इसके लिए कर लेते थे, और उसके बदले इनको मिलता था वेतन, जिसे ये अपनी आजीविका चलाते थे, आजीविका चलाते थे। क्योंकि वहां पर राजधानी थी पाटलिपुत्र, जैसे आज नई दिल्ली अपने, उस टाइम उनकी थी पाटलिपुत्र, उसके आसपास के नगर थे, उसके ऊपर सीधा सम्राट का ही सीधा नियंत्रण था। इसका मतलब यह हुआ कि इस इलाके के गांवों और शहरों के किसानों और पशुपालकों व्यापारियों से कर इकट्ठा करने के लिए राजा अधिकारियों को नियुक्त करता था। शिल्पकारों व्यापारियों अधिकारियों वगैरह से जो भी कर इकट्ठा करना होता है उसको सम्राट नियुक्त करता था, और उसके माध्यम से कार्य करवाता था। जो राजा के आदेशों का उल्लंघन करते थे अधिकारी उसको सजा भी देते थे। जो राजा के आदेशों का उल्लंघन करते थे, जैसे कि आज कानून तोड़ा जाता है उसको सजा मिलती है, नियमों को तोड़ता है वगैरह तो उसको भी सजा मिलती है, जैसे कि ट्रैफिक में आपने रेड लाइट को पार करके चले गए या हेलमेट नहीं पहना तो जुर्माना वगैरह लगता है। उस टाइम भी ऐसी कुछ व्यवस्थाएं थी जिसके माध्यम से उन्हें करना पड़ता था, जैसे कि आज इनकम टैक्स का छापा पड़ता है कहीं पे, तो उन्होंने कर नहीं दिया तो उनकी जगह वहां पर इनकम टैक्स का छापा पड़ता है। उस टाइम भी ऐसी व्यवस्था थी, और जिस प्रकार आज संपत्ति जब्त करते हैं उस टाइम भी ऐसी कुछ व्यवस्थाएं थी जो लोगों को माननी पड़ती थी। उसके अलावा संदेश वाहक होते थे जो एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते थे, संदेश वाहक होते थे जो एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते थे, और राजा के जासूस अधिकारियों के कार्यकल्प पर नजर रखते थे, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते थे, जो अधिकारी क्या कार्य कर रहे हैं, किस ढंग से कर रहे हैं, उसके ऊपर ये पैनी नजर बना के सीधे मंत्री, मंत्रियों के माध्यम से या किसी के माध्यम से राजा तक पहुंचाते थे, और उसके माध्यम से फिर राजा उनका अलग ढंग से इलाज करते होंगे। इन सबके ऊपर सम्राट था जो राज परिवार और वरिष्ठ मंत्रियों की सहायता से सब पर नियंत्रण, इन सब पर एक राजा होता था, मैं राजा होता था, तो ये मंत्रियों की सहायता से ही कोई कार्य करता था कि किस प्रकार अपने को व्यवस्था करनी चाहिए और किस प्रकार की लागू करनी चाहिए, सीमा पर किस ढंग से किसी से बातचीत करनी है, तो तरीके वगैरह वो डिस्कस करते थे, बातचीत करते थे, जैसे कि आज मीटिंगों में होता है, केंद्र में कैबिनेट मीटिंग होती है वगैरह होती, तो गृह विभाग इसको दिया गया, यह उसको दिया गया, गृह मंत्रालय उसको दिया गया, विदेश विदेश का काम ये देखेगा, वो इसका काम देखेगा, बैंकों का काम अलग देखेगा, सचिव अलग देखेगा, वो अलग देखेगा, तो इस प्रकार से उस टाइम भी ऐसी व्यवस्था थी। तो उसके आदम
माध्यम से राजा शासन करते थे। मौर्य साम्राज्य के भीतर कई छोटे क्षेत्र या प्रांत थे। मौर्य साम्राज्य के भीतर कई छोटे प्रांत और क्षेत्र थे। इन पर तक्षशिला या उज्जैन जैसी प्रांतीय राजधानियों से शासन किया जाता। इन पर तक्षशिला या उज्जैन जैसी प्रांतीय राजधानियों पर से शासन किया जाता। जैसे अब राजस्थान की राजधानी जयपुर मानी गई, तो जयपुर के माध्यम से शासन वगैरह क्रियाकलाप करने वो सारे देखते हैं। उसी माध्यम से उस टाइम तक्षशिला थी और उज्जैन थी, उसके माध्यम से वहां पर पैनी नजर रखाई जाती थी और वहां से शासन किया जाता था। कुछ हद तक पाटलिपुत्र से इन क्षेत्रों पर नियंत्रण रखा जाता। जिस प्रकार इस तक्षशिला जैसे जयपुर पर नियंत्रण सीधी नई दिल्ली रखती थी, तो इन तक्षशिला उज्जैन पर पैनी नजर थी वो सीधी पाटलिपुत्र रखता था और उसके माध्यम से कार्य होते रहते थे। कुछ अक्सर राजकुमारों को ही वहां का राज्यपाल गवर्नर बनाकर भेजा जाता था। यहाँ पर जो गवर्नर बना के जाता था, भेजा जाता था, वो राज परिवार से ही संबंधित राजकुमार थे, क्योंकि इनके ऊपर विश्वास ज्यादा होता था। परिवार का लोग, परिवार के लोग हैं तो परिवार के बारे में ही सोचकर कुछ निर्णय लेंगे और जितना हो सके साम्राज्य को मजबूत बनाने की कोशिश करेंगे और राजा को कोई परेशानी नहीं होगी। लेकिन ऐसा लगता है कि इन जगहों पर स्थानीय परंपराओं और नियमों को ही माना जाता। लेकिन इन्होंने किसी स्थानीय परंपराओं में बीच में टकराव नहीं किया, मैं बीच में हस्तक्षेप नहीं किया, यानी कि उसमें अड़ंगा नहीं डाला और शासन व्यवस्था वैसी चलने दी। पर कहीं पे पैनी नजर होती थी, कहीं कमजोरी होती थी, कमजोर कड़ी को यह ठीक करने का कार्य करते थे। प्रादेशिक केंद्रों के बीच विस्तृत क्षेत्र थे। प्रादेशिक केंद्रों के बीच बहुत सारे क्षेत्र, इनके इलाकों में मौर्य शासक सिर्फ मार्गों और नदियों पर नियंत्रण रखने की कोशिश। कुछ जगह बहुत बड़ा क्षेत्र होता था तो वहां पर केवल सिर्फ मार्गों और नदियों पर नियंत्रण रखने की कोशिश करते थे। मार्गों और नदियों पर नियंत्रण ही रखा जाता था, जो कि आवागमन के लिए महत्वपूर्ण। यहां से उन्हें जो भी संसाधन कर और भेंट के रूप में मिलते हैं उसे इकट्ठा किया जाता था। जो भी यहां से संसाधन मिलते थे उन्हें कर या संसाधन के रूप में इकट्ठा किया जाता था। उत्तर पश्चिम कंबल के लिए, जो उत्तर पश्चिम था वो कंबल के लिए, कंबल के लिए प्रसिद्ध था। उत्तर पश्चिम था वो कंबल के लिए प्रसिद्ध था और दक्षिण भारत दक्षिणी भारत सोने व कीमती पत्थर के लिए, सोने व कीमती पत्थर के लिए प्रसिद्ध था। उत्तर पश्चिम कंबल के लिए और दक्षिणी भारत सोने व कीमती पत्थर के लिए संभव है संसाधन नजराने के रूप में इकट्ठे किए जाते थे। अब नजराना यानी कि क्या, संसाधन नजराने के रूप में यानी कि लोग स्वेच्छा से देते हैं, जिनके पास संसाधन हो वो अपनी इच्छा से देते हो तो इकट्ठे किए जाते, और कर पर नियमित रूप से लिया जाता, कर नियमित रूप से, कर नियमित रूप से लिया जाता था, नियमित ढंग से इकट्ठे किए जाते। वही नजराना अनियमित ढंग से, यानी कि जिसकी इच्छा होती थी वो अपने हिसाब से राजा को अपनी स्वेच्छा से कुछ न कुछ भेंट करते थे। अब राजधानी में सम्राट के लिए क्या है, राजधानी सम्राट, सम्राट के लिए लोगों के मन में कैसी भावना थी, वो कैसे वहां पर सम्राट का चाल चलन वो कैसे
कैसे उठने बैठने का तरीका वगैरह जो भी है वो मेगस्थनीज ने दिखाया कि वहां पर किस ढंग से कार्य होता था राजधानी में सम्राट कैसे। मेगस्थनीज चंद्रगुप्त के दरबार में पश्चिम एशिया के यूनानी राजा सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। मेगस्थनीज था सेल्यूकस जिसे चंद्रगुप्त मौर्य ने हराया था उसका यह राजदूत था। राजदूत था जो कि पश्चिम एशिया के यूनानी राजा थे। यह था यूनानी राजा सिकंदर के बाद बने थे। सिकंदर के बाद बना था यूनानी राजा और उत्तर पश्चिम की साइड से आया था जिसे अपन यवन भी कई बार कहते हैं। यहां हम उसके विवरण का एक उसके विवरण का कुछ अंश किताब में आया हुआ है। सम्राट का जनता के सामने आने के अवसरों पर शोभा यात्रा के रूप में जश्न मनाया गया था। सम्राट जब आता था तो जनता के सामने तो शोभा यात्रा के रूप में मनाया जाता था। उसके आसपास जो अंगरक्षक थे वो सोने से उनके अंगरक्षक सोने चांदी से अलंकृत हाथियों पर सवार रहते थे। कुछ अंगरक्षक पेड़ों को हाथों में पकड़कर पेड़ों को लेकर चलते थे। इन पेड़ों पर प्रशिक्षित तोतों का एक झुंड रहता था। इन पेड़ों पर जो प्रशिक्षित तोते होते थे जिन्हें प्रशिक्षण दिया गया यानी कि जिन्हें जैसे कि एक शेर को शिक्षा दे के टेबल कुर्सी पे डांस करवाया जाता है भालू वगैरह को सर्कस इत्यादि उस टाइम भी कुछ तोतों को पकड़ के उनको प्रशिक्षण दिया जाता था। वो तोते के आसपास जो पेड़ों के ऊपर झुंड रहता था और सम्राट के चारों ओर सिर के चारों तरफ चक्कर लगाता था। राजा सामान्यतः हथियारबंद महिलाओं से घिरे होते थे। जो राजा थे वो हथियारबंद महिलाओं से घिरे होते थे कि उन्हें इस बात का डर था कि कभी भी उनकी हत्या हो सकती। और जब वो एक कमरे में दो दिन से ज्यादा नहीं रहते थे उसके अलावा जो उनका खान पान था जो उसका खाना खाता था उससे पहले उसके खास नौकर को वो खाना खिलाया जाता था उसके बाद वो खाना खाते थे। उसके अलावा एक पाटलिपुत्र के बारे में भी बताया गया है मेगस्थनीज के विवरण से। पाटलिपुत्र इसमें यह एक विशाल खूबसूरत नगर था। वो विशाल प्राचीर से घिरा हुआ होता था। इसमें 570 बुर्ज और 64 द्वार 64 दरवाजे होते थे। 570 बुर्ज और 64 द्वार होते थे। दो तीन मंजिल वाले घर लकड़ी और कच्ची ईंटों से बने हैं। दो और तीन मंजिल वाले घर लकड़ी और कच्ची ईंटों से बने हुए थे। ये मेगस्थनीज के द्वारा कहा गया। और राजा का महल भी काठ से बना है जिसे पत्थर की नकाशी से अलंकृत किया गया। जो राजा का महल है वो काठ से बना हुआ है और लेकिन पत्थर की नकाशी से उसको अलंकृत किया गया है। यह चारों तरफ से उद्यानों और चिड़ियों के लिए बने बसेरों से घिरा है। यह चारों तरफ से उद्यानों और चिड़ियों के लिए बने बसेरों से घिरा हुआ होता था। अंत में जंगल वाले इलाके आते हैं जो कि जंगल भी उनके कंट्रोल में थे। वहां के लोगों से उम्मीद की जाती थी वो उन्हें शहद हाथी इत्यादि और कुछ जंगली जानवर मधु मोम जैसी लकड़ी मधु शहद को ही कहते हैं मोम और लकड़ी मुहैया कराएंगे उन्हें प्रदान करेंगे। अशोक एक अनोखा सम्राट था। इस अशोक एक अनोखा सम्राट था। उससे पहले बहुत सम्राट हुए पर
ये अशोक मौर्य वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक था। वह ऐसे पहले शासक थे जिन्होंने अभिलेखों द्वारा जनता तक अपने संदेश पहुंचाए। वह पहले ऐसे शासक जिन्होंने अभिलेखों के द्वारा जनता तक अपने संदेश पहुंचाने का कार्य किया। अभिलेखों ने यह पहले शासक थे, बाकी जितने भी उन सब में यह पहले थे जिन्होंने अभिलेख के द्वारा लोगों तक अपनी बात पहुंचाने की कोशिश की, संदेश पहुंचाने। अशोक के ज्यादातर अभिलेख प्राकृत भाषा या ब्राह्मी लिपि में, अशोक के जो अभिलेख है प्राकृत में है या फिर ब्राह्मी, ये ब्राह्मी लिपि से ही आज जो जितनी भी लिपियां बनी, ब्राह्मी लिपि से अधिकतर जो आधुनिक भारत की जो ज्यादातर लिपियां हैं वो ब्राह्मी लिपि से ही उत्पन्न हुई। आज जो आप पढ़ रहे हो देवनागरी लिपि भी वो ब्राह्मी लिपि से उत्पन्न हुई हुई है। कलिंग युद्ध का वर्णन करता हुआ अशोक अभिलेख, अभिलेख के बारे में बता रहे हैं। अशोक का एक अभिलेख कलिंग युद्ध, जब अशोक ने ये युद्ध लड़ा उसके बाद ही उसने युद्ध की नीतियों को चेंज किया। जब अशोक ने शासन किया उसके 8 वर्ष बाद अशोक ने कलिंग पर अटैक किया, कलिंग में अटैक किया और काफी लोगों को मारा गया, काफी लोग बंदी बनाए गए जिसमें 1.5 लाख लोग बंदी बनाए गए और 1 लाख से ज्यादा लोग मारे गए। अनुमान था 1.5 लाख लोग बंदी बनाए गए और 1 लाख लोग मारे गए, जिससे उसका हृदय परिवर्तन धीरे धीरे हुआ क्योंकि वहां पर कुछ भिक्षुक थे, उन्होंने इसे कुछ समझाया। उसके बाद ही उसने अपनी युद्ध की नीति त्यागी थी। 1.5 लाख लोग मर गए, उसने सोचा ये क्यों, इसका क्या फायदा, इसमें ब्राह्मण और श्रमण सब थे, ब्राह्मण श्रमण सब थे, उसके अलावा जो कोई प्रियजनों से प्रेम करते थे वो भी मर गए, जो कोई दासों से वगैरह से विशेष लगाव करते थे वो भी मर गए। उसने सगे संबंधी प्रतिकूलों के प्रति, इसलिए मुझे मस्त प्रियजनों को खो देते हैं, जो लोग अपने सगे संबंधी मित्रों को बहुत तथा दासों मृतकों के प्रति दयालु, वे भी युद्ध में या तो मारे जाते हैं या अपने प्रियजनों को खो देते, इसलिए मुझे पश्चाताप हो रहा है। अब उसने धमकी नीति अपनानी प्रारंभ की, धमकी नीति, धर्म के द्वारा शासन। धम्म संस्कृत से निकला, संस्कृत के धर्म का रूप धम्म, जिसे प्राकृत में धम्म कहा जाता है। धम्म की नीति अपनाई, इसमें लोगों को युद्ध के द्वारा नहीं जीता जाता, उनके ऊपर विचार विचारों के द्वारा बातचीत के द्वारा लोगों को जीतने का प्रयास किया गया। उसकी यह धम्म के माध्यम से लोगों का दिल जीतना बलपूर्वक विजय पाने से बहुत अच्छा है। बलपूर्वक विजय पाना यानी कि किसी को मार के जीतना, उससे अच्छा विचारों के आदान प्रदान से उसके ऊपर जीत प्राप्त करने, इनकी बातों के माध्यम से सामने वाले को अपनी तरफ खींच लेना, उसकी यह नीति अपनाई गई। यह अभिलेख भविष्य के लिए उत्कीर्ण किया गया, मैं यह अभिलेख भविष्य के लिए उत्कीर्ण संदेश, मेरे बाद मेरे बेटे पोते भी युद्ध न करें। उसने ये युद्ध की नीति अपनाई, मेरे बाद मेरे पोते वगैरह युद्ध न करें, तो धम्म की नीति अपनाई। अशोक का कलिंग युद्ध, ये अशोक का कलिंग युद्ध हुआ था जो तटवर्ती उड़ीसा का था, उड़ीसा का युद्ध था, उड़ीसा का प्राचीन नाम है। अशोक ने कलिंग को जीतने के लिए ये युद्ध किया था और उसकी स्थिति को देखने के बाद, खून खराबे को देखने के बाद उसने इसे त्याग दिया। अशोक का धर्म क्या था, अशोक का धर्म क्या था, अशोक के धर्म में किसी देवता की पूजा और किसी कर्म कांड की आवश्यकता नहीं थी, किसी देवता की पूजा नहीं करनी, किसी प्रकार के कर्म कांड नहीं करने, किसी प्रकार के इतना के इसके ये नियम है इसी का पालन करना इत्यादि नहीं थे। जैसे पिता अपने बच्चों को अच्छे व्यवहार की शिक्षा देते हैं,
उसी प्रकार उसने उपदेश के माध्यम से लोगों को जीतने का प्रयास किया, उपदेश से यानी बातों के माध्यम से लोगों के। वे बुद्ध के उपदेशों से भी प्रेरित हुए थे, वे बुद्ध के उपदेशों से प्रेरित। ऐसे में कई समय से उनके समाज में अलग अलग धर्म के लोग रहते थे, वो कई बार टकराव की स्थिति उत्पन्न होती थी, उसे भी सुलझाने का माध्यम धर्म की नीति से अपनाया गया। जानवरों की बलि चढ़ाई जाती तथा दासों और क्रूरों के साथ क्रूर व्यवहार किया जाता था। उनके अलावा परिवार में पड़ोसियों के बीच भी अशोक ने यह महसूस किया इन समस्याओं का निदान करना ही उनका कर्तव्य। ये जो लड़ाई झगड़े होते हैं मुझे इनको निपटाना ही मेरा कार्य है, युद्ध करना मेरा कार्य नहीं है। उसने युद्ध की नीति को त्याग दिया, इसलिए उन्होंने धम्म महामात नाम के अधिकारियों की नियुक्ति की। इसलिए उन्होंने धम्म महामात के अधिकारियों की नियुक्ति की जो हर एक तक यह बात पहुंचा सके धम्म की नीति की। इसके अतिरिक्त अशोक ने अपने संदेश कई स्थानों पर शिलाओं पर स्तंभों पर भी खुदवा दिए, शिलाओं पर स्तंभों पर भी खुदवा दिए, शिला पर स्तंभ पर खुदवा दिए, जिसके माध्यम से लोग उनके बारे में ज्यादा जान सके और वो निश्चित रूप से भविष्य में भी काम आए, भविष्य में भी काम आए और लोग उसका अनुकरण करें। इसके अशोक ने धम्म के विचारों को प्रसारित करने के लिए सीरिया, मिस्र, ग्रीस, श्रीलंका में भी अपने दूध भेजे। उन्होंने सड़कें बनवाई, हुए खुदवाए, विश्राम गृह बनाए, और विश्राम गृह भी बनाए। इसके अतिरिक्त उन्होंने मनुष्य और जानवरों की चिकित्सा की व्यवस्था की, उन्होंने ही मनुष्य और जानवरों के लिए चिकित्सा की। अपनी प्रजा के लिए अशोक का संदेश क्या था? अपनी प्रजा के लिए अशोक का संदेश क्या था? अपनी प्रजा के लिए अशोक का संदेश था, लोग विभिन्न अवसरों पर अनुष्ठान करते हैं, जैसे कि बच्चे का जन्म होता है, विवाह होता है, मृत्यु होती है, बीमारी होती है, हर प्रकार से कुछ न कुछ रीति रिवाज चलते रहते हैं। तो अशोक ये कर्मकांड किसी काम के नहीं, अशोक का मानना था। इसके बदले यदि लोग दूसरी रीतियों को माने तो वो ज्यादा फलदायी होगा, यानी कि वो अपने दासों के साथ अच्छा व्यवहार करें, जीवों पर दया करें, यानी कि अहिंसा का मार्ग अपने अच्छा आचरण करें, सभी को सम्मान माने और दूसरे के धर्म का आदर करें, और अगर ऐसा नहीं करते तो वो अपने धर्म को ही नुकसान पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं, उसका यह मानना था। भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा, उनके धर्म आदेश आज भी हमसे एक ऐसी भाषा में बात करते हैं जिन्हें हम समझ सकते हैं और जिनसे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ही उनके बारे में कहा कि उनकी जो धर्म की नीतियां थी उसके बारे में हम आज भी पढ़ सकते हैं और आज भी जान सकते हैं कि उनकी नीतियां इतनी अच्छी और प्रबल थी, जिसके माध्यम से हम उनके बारे में समझने का प्रयास करेंगे, प्रयास कर सकते हैं उनके बारे में अभी और अच्छे ढंग से समझ सकते हैं, क्योंकि उनकी नीतियां बहुत ही प्रबल थी जो कि आज के युग में काम कर करती है। भारत में जहां पर इतने धर्म और इतने रीति रिवाज के लोग रहते हैं, यानी कि हर एक की संस्कृति अलग है, उनको सबको साथ मिलजुल कर रहना है, तो दूसरे का आदर करना पड़ेगा, तभी वो आगे बढ़ सकते हैं और देश तरक्की कर सकते। अब बात आती है चीनियों की। मौर्य साम्राज्य से लगभग 2400 वर्ष पहले चीनियों ने चीन की दीवार का निर्माण शुरू हुआ था। इसे बनाने का उद्देश्य उत्तरी सीमा की पशुपालक लोगों से रक्षा करना था, उत्तरी सीमा की जो उत्तर की साइड सीमा थी उसकी पशुपालक लोगों से रक्षा करना इसका उद्देश्य था, क्योंकि साम्राज्य की
सीमाएं बदलती रही, लगभग इसका कार्य 2000 वर्षों तक चलता रहा और दीवार बनती रही। यह दीवार लगभग 6400 किलोमीटर लंबी है, 6400 किलोमीटर यह दीवार लंबी है, 6400 किलोमीटर यह दीवार लंबी है, चीन की दीवार तथा पत्थर और ईंटों से बनी है। ऊपरी सतह सड़क जैसी चौड़ी है, जो ऊपर की सतह है वो सड़क जैसी चौड़ी है। इस दीवार को बनाने के लिए हजार लोगों को काम करना पड़ा। हर 100 200 मीटर की दूरी पर इस प्रकार निगरानी के लिए बुर्ज बने हुए, 100 मीटर या 200 मीटर की दूरी पर वहां पर बुर्ज बने हुए, इसे लोगों पर जो वहां पर जा रहे हो उसके ऊपर निगरानी रख सके। पड़ोसी देशों के प्रति अशोक का रवैया चीनी सम्राटों के रवैये से कैसे भिन्न था, इसके बारे में आप जानने का प्रयास करें। आई होप आपको चैनल पसंद आया होगा। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।